हिंदुओं के प्राचीन और पवित्र सात नगरियों में से पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है और यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको अपने सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं, तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सवर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। अब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए देखेगा नहीं। उनकी यह शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उसमें से तीन अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा जी के हाथ पैर बनाए ही नहीं गए थे। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं।